वैश्य समाज, सिंधी समाज और खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की और समाज के लोगों ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी और अलवर के विकास में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि फरवरी में राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। सड़क, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी गैस विकास से जुड़े हुए हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में हुए घोटाले से राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब इस पर भी तेजी से काम हो चुका है। शुरू करेंगे नेशनल हाईवे पे, पर आज एक नेशनल हाईवे तो है ही। मोदी जी के 10 साल के राज में एक दिल्ली मुंबई का नया एक्सप्रेसवे भी मिल गया। कितनी बातें हम सोचा नहीं करते थे कि 500 साल से रामलला अपने टेंट में विराजमान थे, लेकिन 10 सालों में हमने भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनते देखा है। कितने समय से ये देश विभाजन के दर्द से करा रहा था, लेकिन इन 10 सालों में 370 को टूटते हुए हमने देखा है। 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे तो भारत दुनिया की 5 पिछड़ती अर्थव्यवस्थाओं में था। इन 10 सालों में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी।